गोपी वो राशि कहाँ रह गई? लगे छे कि अभी तक तैयारी नहीं हुई है। नहीं नहीं बाप, राशि बिल्कुल तैयार है, मैं अभी उसे बुला कर आया हूँ, बस आती ही होगी। आज तो राशि बहुत वक्त लगाएगी, आज उसकी काकी सासू माँ ने कोकिला ने उसे इतनी सुंदर साड़ी जो दी है। हेलो, अरे कदड़ी तू भागी कि नहीं? मम्मी मैं कोशिश कर रही हूँ, अब फोन रखो। ठीक है। गोपी वो राशि, जल्दी से आरती के लिए आ जाओ। हेलो, क्या उन चोर औरतों का पता चल गया? अच्छा ठीक है, हम अभी आ रहे हैं। ड्राइवर, गाड़ी न्यू मार्केट की ओर ले चलो। गोपी वो राशि, जल्दी से आरती के लिए आ जाओ। नहीं नहीं, मुझे सबसे पहले राशि बहन को रोकना होगा, अगर सबको पता चल गया तो। गोपी के खाना जी, प्लीज नीचे तक संभाल लेना, हाथ पैर मत तोड़वा देना। हेलो, क्या है मम्मी? अरे भागी क्या हो? मम्मी फोन बंद करो, मैं भागने की कोशिश कर रही हूँ ना। मुझे जाकर राशि बहन को रोकना ही होगा, हमने कुछ गलत किया ही नहीं तो हम भागे क्यों? राशि बहन दरवाजा खोलिए। राशि बहन, चलिए बहुत जल्द आपकी ज्वेलरी मिल जाएगी। ठाकुर जी की कृपा से उन चोरनियों का पता तो चला। राशि बहन, शिपिन फोन क्यों नहीं उठा रही है? कान्हा जी रक्षा करना। आप कहाँ चली गई? ये गोपी वो और राशि रह कहाँ गई? मैं देख कर आती हूँ। ये दरवाजा कैसे खुला हुआ है? राशि,
राशि बहन आपकी सब क्या कर रही है? गोपी अच्छा हुआ तू आ गई, चल हम भाग चलते, वैसे भी हम यहाँ ज्यादा देर नहीं रुक सकते, वो पुलिस यहाँ। मोटा भाभी गोपी वो और राशि अपने कमरे में नहीं है। कोकिला वो देखो दरवाजा खुला है, हम बाहर चलकर देखते हैं। मम क्या हुआ? अहम जिगर गोपी वो और राशि अपने कमरे में नहीं है। कहाँ चली गई दोनों? राशि बहन आप मेरे साथ अंदर चलिए, आप मत घबराइए, सब ठीक हो जाएगा, हम अभी जाकर माँ जी से सब कुछ कह देंगे, चलिए। नहीं नहीं हमने तय कर लिए, हम भाग रहे, चल चल। अरे चल ना ये तो शिबिन, शिबिन आप एक बार सुनिए, रुको। हाँ 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 हमने कुछ नहीं किया सच, अब हम तो डॉक्टर साहब यही दोनों चोरनिया हैं जिन्होंने मेरी दुकान से चोरी की है। डाल दो हथकड़ी इन्हें। आप अच्छी तरह से पहचानते हैं ना कि ये वही दोनों हैं? डॉक्टर साहब मुझे पक्का यकीन है ये दोनों वही चोरनिया हैं। ये देखिए इनके पास ये बैग भी है, ये कहीं भागने की तैयारी में है। नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब प्लीज आप देखिए, देखिए देखिए इसके गले में मेरी दुकान से चुराया हुआ लक्ष्मी माँ का लॉकेट भी है। हाँ तो ये पेंडेंट आप ही ने हमें दिया है ना, हम तो इंस्पेक्टर साहब आप हमारी बात तो सुनिए। हवलदार डाल दो हथकड़ी इन्हें। सुनिए तो सही, एक मिनट इंस्पेक्टर। हिम्मत कैसे हुई मेरी बहुओं को हथकड़ी पहनाने की? ये हो क्या रहा है यहाँ? हमें याद आया, अरे ये दोनों तो इनकी बहुएं हैं, हमने पहले भी इन्हें अरेस्ट किया था। अरे देखा इंस्पेक्टर साहब आपने, ये दोनों पेशेवर चोर हैं। बस बहुत हो गया, अपनी जुबान को लगाम दीजिए। अरे नहीं नगीन भाई, ये तो गलत फहमी में पकड़ी गई थी, ये कुछ समय तक ही जेल के अंदर रही और इन्होंने तो जेल के अंदर कैदियों के खाने का स्टैंडर्ड ही बदल दिया। एक मिनट, हम ये जानना चाहेंगे कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। अब क्या बताएं बहन जी, ये दोनों छोकरियाँ हमारी दुकान पर आई और बंदूक की नोक पर हमारी दुकान से दागीना चुरा के ले गई। बंदूक? इसके पास एक बंदूक है। बंदूक? फोटो मां जी। और ये देखिए इसके गले में लक्ष्मी पेंडेंट भी है। नहीं मां जी, हमने सच्ची में कोई चोरी नहीं की, हम तो जेवर खरीदने गए थे, इन्होंने खुद ही हमें मुफ्त में दे दिया। लाचारी थी, अरे इस लड़की ने जब बंदूक दिखाई तो देखिए हमने कोई बंदूक नहीं दिखाई थी। पर ऐसी बात है, तो इन्होंने ऐसे कैसे कह दिया कि आप दोनों ने बंदूक दिखाई थी?